क्वेश्चन में हम परसेंटेज के सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चार पांच क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है परसेंटेज का, अर्थमेटिक का क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी सीजीएल 2012 में। कह रहा है कि द प्राइस ऑफ ओनियन हैज बीन इंक्रीज्ड बाय 10% इन ऑर्डर टू कीप द एक्सपेंडिचर ऑन ऑनियन सेम। द परसेंटेज ऑफ रिडक्शन इन द कंजम्पशन इज टू बी, मतलब बोल रहा है कि ओनियन का प्राइस 25-50% से बढ़ा दिया गया है, तो हमें एक्सपेंडिचर को सेम रखना है, खर्चा उतना ही करना है। मान लो कि हमें खर्चा 100 रुपया ही खर्चा करना है या 80 रुपया ही खर्चा करना, तो हमें कितना अपने कंजम्पशन में, खपत में कम करेंगे ताकि उतना ही खर्चा हो पाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट ट्रिक होता है एक, उसी से सॉल्व किया जाता है कि हमें पूछ क्या रहा, परसेंटेज ऑफ रिडक्शन मतलब परसेंटेज ऑफ, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आता है परसेंटेज ऑफ रिडक्शन या डायमिनिश बराबर होता है परसेंटेज ऑफ इंक्रीज। परसेंटेज ऑफ इंक्रीज मतलब कितना से इंक्रीज किया है, परसेंटेज ऑफ इंक्रीज ठीक है, डिवाइडेड बाई 100 प्लस परसेंटेज ऑफ इंक्रीज ठीक है, इंटू 100। ये ट्रिक होता है। तो यहाँ पर इंक्रीज कितना से कर रहा है, 50 से ना, तो सिर्फ 50 लिखेंगे, यहाँ पर प्रतिशत को भूल जाएंगे, इस बात को ध्यान रखो, सिर्फ और सिर्फ 50 लिखेंगे। और जो पहले रहता है इंक्रीज रहता है तो प्लस होता है, इस बात को ध्यान रखो, इंक्रीज रहता है तो यहाँ पर प्लस लिखेंगे, सबसे पहले इंक्रीज होगा तो सबसे पहले प्लस लिखेंगे, लेकिन अगर जो सबसे पहले डिक्रीज होगा तो यहाँ पर माइनस लिखेंगे। उल्टा पूछता है, अगर जो इंक्रीज रहेगा तो डिक्रीज पूछेगा, जब डिक्रीज रहता है तो इंक्रीज पूछेगा, तो हमें वो देखना है कि जो जो सबसे पहले रहेगा क्वेश्चन में सबसे पहले, उसी को यहाँ पर लिखेंगे। अगर जो इंक्रीज लिखा हुआ है सबसे पहले कि जो प्राइस है वो ओनियन का इंक्रीज किया जाता है 50%, तो इंक्रीज किया जा रहा था इसी कारण से हम यहाँ पर प्लस लिखेंगे, इस बात को ध्यान रखो, यही ट्रिक है कंसेप्ट का। अगर जो उल्टा लगा दोगे तो गलत हो जाएगा, फिर ट्रिक फेल हो जाएगा, तो इसलिए इस बात को ध्यान रखो कि एक इंक्रीज होना चाहिए, दूसरा डिक्रीज होना चाहिए, और प्लस लिखेंगे क्योंकि इंक्रीज हो रहा है, तो इसलिए मैं प्लस लिख रहा हूँ ठीक। यहाँ पर दो बात ध्यान रखना पड़ेगा, तो 50% से इंक्रीज हो रहा था, सिर्फ सिंपली लिखेंगे 50 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 50, कितना हो जाएगा 100 प्लस 50 इंटू 100, ये हमारा आंसर आएगा, ये प्रतिशत में आएगा, ये जितना भी आएगा वो क्या प्रतिशत में आएगा ठीक। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो क्या होगा, 50 डिवाइड बाई 150 इंटू 100, तो 100 इसे कट गया, 5 या 15 था, 100/3%, जो कि ऑप्शन नंबर मेरा 2 में है। 100/3% मतलब 33 पूर्णांक 1/3%, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा ठीक। इसे हम बेसिक से भी बना सकते हैं, लेकिन हमें बेसिक की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम कंपटीशन का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर जितना शॉर्ट हो सकता है उतना शॉर्ट में हम बनाने की कोशिश करेंगे ठीक है। तो अब मैं दूसरा क्वेश्चन देखता हूँ। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ़ 4 लीटर ऑफ वाटर इज इवेपोरेटेड ऑन बॉइलिंग फ्रॉम 12, ये 12 है, 12 लीटर है ठीक, यहाँ पर 12 लीटर है, यहाँ पर एल लिखा हुआ, 12 लीटर ऑफ साल्ट सॉल्यूशन कंटेनिंग 7% साल्ट है, तो कह रहा कि द परसेंटेज ऑफ साल्ट इन द रिमेनिंग सॉल्यूशन, तो कितना होगा साल्ट का परसेंटेज, कितना होगा बचे हुए सॉल्यूशन में, तो 12 लीटर में से तो 4 लीटर इवेपोरेट हो गया, तो बचा कितना 8 लीटर, तो 8 लीटर में हमें निकालना है कि अब कितना प्रतिशत, 8 लीटर वाटर में निकालना है कि अब कितना प्रतिशत सॉल्यूशन है, साल्ट है, साल्ट का प्रतिशत है, तो पहले कितना साल्ट था, तो अमाउंट ऑफ साल्ट निकालेंगे, तो अमाउंट ऑफ साल्ट बराबर क्या होगा, पहले कितना था, 12 लीटर था, तो हम 12 लीटर का कितना प्रतिशत साल्ट था, 7%, तो 7% कर देंगे, 7% मतलब 7/100 मतलब 0.84 लीटर, इतना क्या हो गया
कितना हो गया साल्ट का मात्रा, तो हमें परसेंटेज निकालना। तो परसेंटेज ऑफ साल्ट इन रिमेनिंग साल्ट, ठीक है, बचे हुए साल्ट में परसेंटेज ऑफ साल्ट क्या होगा, तो 0.84 लीटर साल्ट है कितना लीटर में, अब बचा 8 लीटर, तो 8 लीटर में तो गुना 100, तो ये हो गया मेरा बचे हुए साल्ट पानी में, बचे हुए पानी में साल्ट का परसेंटेज। तो यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से जब काटेंगे तो आएगा 8 का 8, फिर सुनना नहीं लगेगा, तो 0.8 × 40 10.5% आएगा आंसर, ठीक। तो मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगले पेज पर सॉल्व करता हूँ। इस क्वेश्चन में कह रहा है एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 70% ऑफ द वोटर्स कास्ट दियर वोट, मतलब कि जितना भी वोटर्स था उसमें 75% ही अपना वोट दिया है, बाकी जो 25% है वो वोट नहीं था, नहीं दिया, क्योंकि वोटर का नाम 100% होता है वोटर्स का, लेकिन 75% ही दिया और 25% नहीं दिया। आउट ऑफ विच 2% ऑफ द वोट्स वेयर डिक्लेयर इनवैलिड, अब 75% तो वोट दिया लेकिन उसमें भी 2% क्या है, जितना भी वोट था उसमें 2% क्या इनवैलिड ही हो गया, तो हम इनवैलिड वोट निकालेंगे कि कितना क्या हुआ इनवैलिड हुआ, ठीक। तो मैं यहाँ से लिखता हूँ कि इनवैलिड वोट कितना होगा, पहले तो मान लेते कि लेट टोटल वोट क्या है एक्स है, तो वोट कितना वोट पड़ा, वोट कितना पड़ा कास्ट वोट बराबर ये एक्स वोट हो गया, नंबर ऑफ वोट एक्स हो गया, कास्ट वोट कितना होगा, कास्ट वोट होगा एक्स का 75%। 75% मतलब डायरेक्ट मैं लिखूंगा, यहाँ पर समय बचाने के लिए मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, 75% मतलब होता है 3/4 × x, इतना वोट कास्ट हुआ, और जिसमें कि इसमें से 2% क्या इनवैलिड है, ठीक है, तो इसमें से माइनस करेंगे, ठीक है, तो इनवैलिड वोट कितना हो जाएगा, इनवैलिड वोट हो जाएगा 3/4 x का 2%, ठीक, ये हो गया इनवैलिड वोट। तो इनवैलिड वोट का मात्रा कितना हो गया, 3x/200, ये हो गया इनवैलिड वोट। अब ये बोल रहा है कि ए कैंडिडेट गॉट 9261 वोट्स विच वी आर 75% ऑफ द वैलिड वोट्स, तो इतना इनवैलिड वोट है, इतना टोटल वोट था, तो वैलिड वोट कितना हुआ, तो वैलिड वोट हो जाएगा कितना, 3x/4 में क्या होगा 98/100, ये वैलिड वोट हो जाएगा, क्योंकि 2% इनवैलिड था, तो वैलिड वोट इतना हो गया, तो इसका है, इसका कितना प्रतिशत, 75% वोट है, मतलब 75% मतलब 3/4 बराबर 9261, तो जो हम एक्स का वैल्यू निकालेंगे वो टोटल नंबर ऑफ वोट आ जाएगा। तो इतना सही था कंसेप्ट, मैंने डायरेक्ट भी लिख सकता था लेकिन मैंने सोचा कि सॉल्व कर देता हूँ पूरा कम्प्लीटली। तो यहाँ से मैं निकालूँगा एक्स का वैल्यू, तो क्या होगा, देख रहा हूँ कि मैं 7 × 2 = 9 = 18 कटा, तो ये 3 × 3 = 9 से कट जाएगा, ये पूरा पूरी 9 का 9, फिर 2 उतारेंगे नहीं लगेगा, तो सुनना 9 × 3 = 9, 9 × 2 = 18, ठीक है, तो 8 बचेगा तो 9 × 9 = 81, 10 × 29 हो गया, तो एक्स बराबर होगा 1600 × 1029/98, ये भी कट ही जाएगा, काटेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 800, ये हो जाएगा 49, देखो 7 से कट रहा है, ठीक है, 7 से, क्योंकि इसका डबल करेंगे कितना होगा 18 में इसको जोड़ते हैं 102 में, तो कितना होगा 18 × 2 = 20, 18 में से 102 में से 18 गया तो कितना आ जाएगा, 102 में से 18, तो 12 में से 8 गया 4, 9 में से 1 गया 8, तो 68 84, 7 से ही कट रहा था मतलब ये भी कट जाएगा, तो 7 × 49, 7 से काटेंगे 7 × 7 3 × 3 = 32 होता, तो 7 × 28 फिर कितना होगा 4, तो 7 × 49 = 147, फिर 7 से कट जाएगा 21 बार में, 7 से 21 = 47 से, मतलब एक्स का मान कितना हो गया 800,
गुना 21, तो 1 × 8 = 68, तो 168, 16,800 टोटल वोट आया, तो इसका आंसर 16,800 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो इसका आंसर क्या होगा, 16,800, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। ठीक, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन अगले पेज पर सॉल्व करता हूँ। इस क्वेश्चन में कह रहा है इनेटेस्ट मिनिमम पासिंग परसेंटेज ऑफ फॉर गर्ल्स एंड बॉयज आर रेस्पेक्टिवली 35% एंड 40% रेस्पेक्टिवली। ए बॉय स्कोर्ड 483 मार्क्स एंड फेल्ड बाई 117 मार्क्स। मतलब कि मान लेते कि पासिंग मार्क्स एक्स एक्स है, पासिंग मार्क्स कितना है एक्स है, तो जब पासिंग मार्क्स इतना है एक्स है, तो उसमें से कितना प्रतिशत लाता है लड़का, 40% लाता है, तो इसका 40% क्या होगा, 4x/10 हो जाएगा, और फेल हो जा, इसका इतना लाता है लेकिन फेल हो जाता, तो फेल हो जाता तो मतलब कि कितना से फेल होता है, 117 नंबर। तो अगर जो 117 नंबर ले आएगा, ठीक है, ये टोटल नंबर हुआ, सॉरी ये टोटल मार्क्स एक से, तो उसमें टोटल मार्क्स के 40% लाया, 117 नंबर अगर जो आ जाता तो वो क्या होता, पास हो जाता, मतलब पासिंग मार्क्स है ये है, ठीक है, ये पासिंग मार्क्स है, तो ये बॉय का पासिंग मार्क्स हो गया। ठीक, सब सभी के लिए, ज़रूरी नहीं कि इसी बॉयज़ के लिए, तो इसको बराबर कर देंगे पासिंग मार्क्स किसका, गर्ल्स वाला निकाल करके, तो क्या होगा, एक्स का वैल्यू आ जाएगा, वही आंसर हो जाएगा, गर्ल्स के लिए पूछ कर रहा है। तो ये मेरा हो गया पासिंग मार्क्स, वो तो और बोल रहा है कि मिनिमम पासिंग मार्क्स गर्ल्स के लिए कितना, 35%। ठीक है, तो हम यहाँ से निकाल देंगे, सॉरी यहाँ पर ये 4x/10 ये पासिंग मार्क्स है, ठीक है, जो लाया पासिंग मार्क्स 40% था ना, ये क्या है, पासिंग मार्क्स है, ये जो मार्क्स है वो पासिंग मार्क्स है बॉयज़ के लिए, तो पासिंग मार्क्स बॉयज़ के लिए है, और वो स्कोर किया कितना, 483 नंबर, तो 483 नंबर लाया है, वो पास नहीं हुआ, सिर्फ 483 नंबर लाया है, और फेल कितना से, फेल होता है 117 नंबर से, तो अगर जो मैं पास जितना नंबर लाया है उसमें जितना नंबर से फेल हो रहा है वो जोड़ देंगे, तो टोटल उस लड़का के लिए पासिंग मार्क्स आ जाएगा, और पासिंग मार्क्स दिया हुआ है कितना, 4x/10 इतना दिया हुआ है, कि 40% में पास हो जाता है मिनिमम पास करने के लिए, तो इससे पास हो जाएगा, तो एक्स का वैल्यू निकाल देंगे तो आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से एक्स का वैल्यू हो जाएगा 10 माने इसका रिवर्स हो जाएगा, 10/4, इसको हम ऐड कर देंगे, कितना होगा, 7 × 3 = 10 के सुनना बकिया 1 × 1 = 8 9 9 9 × 1 = 10 के सुनना बकिया 1 × 4 = 5 5 × 1 = 6 इतना आ गया एक्स का वैल्यू। अब इतना जो एक्स का वैल्यू आया तो इसमें इसका इसका 35% में पास हो जाता है, तो मिनिमम पासिंग मार्क्स कितना हो गया है गर्ल्स के लिए, गर्ल्स के लिए मैं निकाल रहा हूँ, तो गर्ल्स के लिए क्या हो जाएगा, 2 यहाँ से 2 शून्य, यहाँ से 2 शून्य कट गया। ठीक है, गर्ल्स के लिए इतना पासिंग मार्क्स है, तो यहाँ से हम मैं क्या करता हूँ, इसको मल्टीप्लाई, यहाँ से 2 से कटेगा, 2 × 4 = 6, ये हो गया, तो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 5 × 5 = 15 × 3 = 9 = 10, 10 × 50/2, तो 10 × 50/2 मतलब 2×5 = 10, 525 नंबर, जो कि ऑप्शन नंबर ई में, कोई में बना जितना आंसर होगा, ठीक है, 525 ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि कोई नहीं है तो आंसर क्या होगा, 525। ये भी क्वेश्चन सीबीआईपीओ 2010 में पूछा गया था, सारा क्वेश्चन मैं जो प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया वही वही क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, ऐसा मत कि नहीं हाँ फर्जी क्वेश्चन नहीं करता, फर्जी क्वेश्चन कराने से कोई से फ़ायदा नहीं होगा, सिलेक्शन भी नहीं होगा, इसलिए वही क्वेश्चन करो जो एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ अगले पेज पर। ये 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्वेश्चन कि ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इज इंक्रीज्ड बाई 5% एंड द सेकेंड ईयर में क्या होता है, यहाँ पर लिखना भूल गया, सेकेंड ईयर इट इज डायमिनिस्ड बाई 5%, सेकेंड ईयर में 5% से डिक्रीज कर गया है ना, तो बोला है कि सेकेंड ईयर के अंत में अगर जो इसका पॉपुलेशन है 47,880, तो क्या व्हाट इज़ द पॉपुलेशन एट द बिगनिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर के शुरुआत में कितना इसका पॉपुलेशन था,
ये भी क्वेश्चन देखो SSC MTS 2014 में पूछा गया, तो मैं फर्जी क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, मैं बच्चों के लिए वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो कि सटीस के और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन करा रहा हूँ जो कि पूछा जाएगा, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, 2014 में पूछा गया SSC MTS में। तो इसको सोल्व करने के लिए मैं क्या करूँगा, देखो मान कह रहा है कि पहला, जब मान लेते हैं कि हम कि शुरू में इनिशियली फर्स्ट ईयर के शुरुआत में, इनिशियल फर्स्ट ईयर के शुरुआत में, फर्स्ट ईयर के शुरुआत में कितना था पॉपुलेशन, पॉपुलेशन मान लेते हैं कि एक्स में एक्स पीपल था। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या रहा कि एक्स पीपल इतना था लेकिन डिक्रीज किया गया कितना, 5% से। तो जब 5% से डिक्रीज किया गया तो 100 में से माइनस कर देते हैं, ठीक है, 100 में से माइनस करते हैं। ये फर्स्ट परसेंट, ये फर्स्ट ईयर का आया, लेकिन बोल बोल रहा है कि फिर बाद में क्या, सॉरी पहला में इंक्रीज किया 5% से, तो ये इंक्रीज हो गया, और बाद में हो रहा है कि 5% से डिक्रीज किया गया। तो डिक्रीज जब किया गया है इतना का, तो हम फिर क्या करेंगे, डिक्रीज में माइनस करते हैं, 5% से डिक्रीज किया तो 100 हो जाएगा, 100 माइनस 5/100, और ये जब जब 2 बरस बीत गया तो कितना आया, टोटल कितना है, 47,880 के बराबर पॉपुलेशन हो गया सेकेंड ईयर के अंत में। तो मैं इसमें जो सॉल्व करूँगा वो एक्स का जो वैल्यू आएगा वही फर्स्ट ईयर के शुरुआत में पॉपुलेशन था किसी विलेज का, उस विलेज का। तो इसका आंसर क्या होगा, डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ यहाँ से, एक्स का वैल्यू आएगा, ये तो 21 है, ये 19 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लिख सकते हैं 47,880/21×19, ठीक है, ये हो जाएगा 20×20, ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं इसको जो काटूंगा वही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से देखता हूँ कि ये 3 से कट रहा है, 7×4 11 और 8×8 16, 16×7 कितना आता है, 16×1 17 17 और 10×27, तो 3 से कट रहा है, तो 3×3 21 और 3 से इसको काटूंगा तो क्या आएगा, 3×3 1, फिर यहाँ पर 7 है, तो 3×5 15, 2×3 9 27, 1 आएगा, तो 1×3 6 18, ये हो गया 7, 7 से भी शायद कटेगा ही कटेगा, इसको मैं देख लेता हूँ 7 से कितना, 7 से जब मैं काटूंगा तो 7×2 14, 1×7×2 14 5, 7×8 56, 2280 में ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो बचा कितना, 2280×400/19, ठीक। तो 19 से भी कटेगा ही कटेगा, 19×19 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3×9 38, ठीक। तो ये 12×4 48 पर 3 0, ये आ गया एक्स का वैल्यू जो कि पॉपुलेशन है फर्स्ट ईयर के शुरुआत में, फर्स्ट ईयर के शुरुआत में इतना पॉपुलेशन था 48,000, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। ये 2014 SSC MTS में पूछा गया था क्वेश्चन। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख अगले पेज पर लिख करके सॉल्व करता हूँ। इस क्वेश्चन में कह रहा है फ्रेश फूड कंटेंस 72% वाटर एंड ड्राई फ्रूट कंटेंस 20% वाटर, हाउ मच ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेंड फ्रॉम 160 किलोग्राम ऑफ फ्रेश फ्रूट। बोला कि 160 किलोग्राम फ्रेश फ्रूट फ्रूट में कि से कितना हम 20% मतलब कि 20% ड्राई फ्रूट बोला निकाल सकते हैं, है ना, निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को हम सोल्व करने से पहले हम ये करेंगे कि दोनों जैसे कि फ्रेश फ्रूट है और ड्राई फ्रूट है, तो फ्रूट के मात्रा तो दोनों सेम ही होगा ना, बस पानी फ्रेश फ्रूट में ज़्यादा पानी है और ड्राई फ्रूट में कम पानी है, यही ना अंतर है। तो हम मान लेते हैं कि हम एक्स किलोग्राम, अगर जो हम मान लेते हैं कि जो 150 किलोग्राम फ्रेश फ्रूट है तो उससे कितना बनेगा, वो जो है उससे जो जितना फ्रूट बनेगा पानी निकालने के बाद, वेपर करने के बाद, वो बराबर हो जाएगा ड्राई फ्रूट के बराबर। तो मान लेते हैं कि ड्राई फ्रूट 22 किलोग्राम बनेगा, है ना, तो 22 किलोग्राम ड्राई फ्रूट बनेगा, तो हम दोनों को बराबर कर देंगे फ्रूट का। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले कि 160 किलोग्राम जो है फ्रेश फ्रूट,
इसमें से मैं माइनस कर देता हूँ, पानी को बाहर भगा देता हूँ, तो पानी को जब मैं बाहर भगाऊंगा तो कितना कितना हो बचेगा, मेन 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 रूप से फ्रूट कितना बचेगा, 28% बचेगा। 28% क्या बचेगा, ये जो जितना जो अमाउंट जो आएगा ये बिल्कुल दम पूरा कम्प्लीटली सिंपली फ्रूट आएगा, ठीक, ये कम्प्लीटली फ्रूट आएगा। और ये जो कम्प्लीटली फ्रूट आएगा तो बोल रहा है कि जो ड्राई फ्रूट में के कितना, तो मान लेते हैं ड्राई फ्रूट एक्स 2 किलोग्राम बन रहा है, ठीक है, मान लेते हैं कि फ्रूट 1 किलोग्राम बन रहा है, इसके इसके अगर जो हम पानी निकालने के बाद है ना, 1 किलोग्राम ड्राई फ्रूट बन रहा है, तो 1 किलोग्राम ड्राई फ्रूट बन रहा है, तो इसमें हम तो इसमें इसमें भी इसमें वाटर के मात्रा आएगा ना, तो 1 किलोग्राम ड्राई फ्रूट है तो इसमें से 20% हम वाटर निकालेंगे, ठीक है, तो 20% वाटर को हटाएंगे तो कितना कितना मेन रूप से फ्रूट आएगा, तो एक्स का 80%, 80% जो है वो क्या हो जाएगा, ड्राई फ्रूट बच जाएगा, कम्प्लीटली फ्रूट बच जाएगा। तो जब मैं इसको सॉल्यूशन करूँगा तो वह आंसर हो जाएगा, तो 80 दुना क्या होता है, 160, ठीक, तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा, 28 दुना 56, प्रतिशत प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 28 दुना 56, तो इसका आंसर कितना होगा, 56 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर बी, जो कि बी में दिया हुआ है, ठीक। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, ये 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 7वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि प्रिया गॉट 9 मार्क्स मोर इन हिस्ट्री देन व्हाट सी गॉट इन ज्योग्राफी, मतलब ज्योग्राफी में जो भी नंबर प्राप्त करता है करती है प्रिया, मान लेते हैं कि नंबर एक्स प्राप्त करती है, तो इससे इको ज्योग्राफी में तो इससे 9 नंबर ज़्यादा, तो 9 नंबर ज़्यादा मतलब एक्स प्लस नाइन नंबर किस में आता, उसका उसका हिस्ट्री में आता है, ठीक है, हिस्ट्री में आता है। तो अब बोल रहा है कि व्हाट सी गॉट इन ज्योग्राफी, अब बोल रहा है हर हिस्ट्री मार्क्स आर 56% ऑफ द सम ऑफ हिस्ट्री मार्क्स एंड ज्योग्राफी मार्क्स, बोल रहा है कि जो हिस्ट्री में जितना आया है, हिस्ट्री में आया है एक्स प्लस नाइन और ज्योग्राफी में आया एक्स, तो मिला करके टोटल कितना हुआ, 2x, तो इसका जो आया सम जो आया है हिस्ट्री और ज्योग्राफी के मार्क्स, तो इन दोनों के सम के 56% 56% जो मार्क्स है वो किसके बराबर है, वो जो मार्क्स है वो हिस्ट्री के मार्क्स बराबर है, तो हिस्ट्री के मार्क्स क्या है, X+9 है, इसके बराबर ये मार्क्स है। तो बोला कि ज्योग्राफी में कितना नंबर आया, तो ज्योग्राफी एक्स का वैल्यू आ जाएगा, मैं डायरेक्ट निकालूंगा तो सॉल्व कर देता हूँ, बस सिंपली इक्वेशन तो ही है, तो 58 मतलब कितना हो गया, 58 मतलब अगर जब मैं इसे काटूंगा 4 से तो क्या हो जाएगा, ये 2x+9 तो रहेगा ही रहेगा, ये हो जाएगा 14 14 चौका 56, 14 14 बटे 25 हो जाएगा, 25 चौका 100, ठीक, ये हो गया, इधर क्या होगा x+9, तो जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 25x और 14 28x, तो इधर 3x हो जाएगा, इधर 14 9 26 से, तो 9 9 तो कॉमन दोनों में, तो 9 से गुना करेंगे, 25 में से 14 घटाएंगे तो कितना होगा, 15 से 4 11 का अंतर होगा, तो 11 9 99, मतलब कि एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 33, जब मैं भाग लगाऊंगा तो 33 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, डी में है। ये भी क्वेश्चन सीरियल 2017 में पूछा गया था, तो ये इसका आंसर 33 हो जाएगा आंसर, ठीक। तो मैं इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करता हूँ।